Hello, this is Chetan वर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि कंपटीशन थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, मिनिमाइजेशन ऑफ डी एफ ए। सो वॉट इज मिनिमाइजेशन ऑफ डी एफ ए एंड वाई इट डज रिक्वायर? मिनिमाइजेशन ऑफ डी एफ ए इज रिक्वायर टू ऑबटेन द मिनिमल वर्जन ऑफ एनी डी एफ ए विच कंसिस्ट ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पॉसिबल। तो आपको पता है कि डीएफए के अंदर तो कितनी भी स्टेट हो सकती है, पॉसिबल स्टेट हो सकती है, लेकिन उससे हम मिनिमम स्टेट कैसे बना सकें उसे हम कहते हैं मिनिमम स्टेट मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। अब आप पूछोगे कि इसका महत्व क्या है? तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फाइनाइट स्टेट जो होता है उसकी एक लिमिटेड मेमोरी होती है। अगर हम उसको ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में स्टेट्स होंगी तो वो ज्यादा मेमोरी एक्वायर करेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि उसकी जो नंबर ऑफ स्टेट है वो कम से कम हो, ये हमें कोशिश करनी है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो होता क्या है बेसिकली, ये समझते हैं। जब दो अपनी स्टेट है, टू स्टेट कैन बी कंबाइंड व्हेन टू स्टेट्स आर इक्विवेलेंट। जब दो स्टेट इक्विवेलेंट हैं तो उनको हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये दो स्टेट है हमारे पास में, ए और बी, ठीक है, सी डी ये भी है इसके साथ में, लेकिन ये दोनों सिर्फ ए और बी इक्विवेलेंट है, तो हम इनको अलग अलग ना लिखकर एक जगह लिख देते हैं ए बी। तो इसे कहते हैं हम कंबाइन करना। और यही देखिए, आप यहां पर चार स्टेट थी, अब चार से कितनी स्टेट हो गई? तीन स्टेट हो गई, ठीक है। सो हमने क्या किया, जब दो स्टेट हमारी इक्विवेलेंट है तब हमने उनको कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मिनिमाइजेशन। अब हम समझते हैं कि कब, व्हेन टू स्टेट्स आर इक्विवेलेंट, व्हेन टू स्टेट्स आर इक्विवेलेंट, दो स्टेट इक्विवेलेंट कब होती हैं? तो इसमें हम लिखते हैं टू स्टेट्स, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए एंड बी, ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। कब ये जानना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ आपको ये पता है, ये ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ए स्टेट ए के ऊपर है और आपने इनपुट दिया इसको एक्स, तो वो कोई फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, ठीक है। और सॉरी एंड ट्रांजिशन ऑफ बी के ऊपर, जब हम बी के ऊपर थे और वहां पर हमें इनपुट मिला एक्स, तो भी हम कहां पर पहुंच गए? फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। और या फिर ए के अंदर हमने इनपुट दिया एक्स, हम ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे, ठीक है। और एंड बी के साथ भी यही सेम घटना हुई, जब हमने उसको ये दिया तो फाइनल स्टेट में हम नहीं पहुंचे। तो आप देख सकते हो, या तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और या फिर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो। तो इस कंडीशन में जो हमारी ए और बी है वो दोनों ही इक्विवेलेंट स्टेट्स होंगी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब आप पूछोगे कि यहां एक्स क्या है? तो एक्स कुछ और नहीं, एक्स आपका है इज एनी इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, इनपुट स्ट्रिंग। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ, हमारे पास टाइप ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट वैलेंस के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। ओके, तो सबसे पहला टाइप, इफ जो तुम्हारा एक्स है उसकी जो लेंथ है वो जीरो है, ठीक है, देन
एंड बी आर सेट टू बी जीरो इक्विवेलेंट, ठीक है। सेकंड, इफ एक्स की जो लेंथ है वो है 1, देन ए एंड बी आर सेट टू बी 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। देन थर्ड में, इफ एक्स की साइज जो लेंथ है आपकी वो 2 है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी 2 इक्विवेलेंट, एंड ऐसे करते 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 हम कहाँ चले जाएंगे, एन इक्विवेलेंट पे। तो ये हो गया हमारा एन, इफ एक्स की जो लेंथ है वो एन है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी एन इक्विवेलेंट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट अप टू हियर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके और भी एग्जाम्पल्स के साथ में इसको समझेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।